हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक कंटेंट मैं और लेकर के आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये LYF का जियो का F320B मॉडल है, जैसा कि आप भी देख सकते हो। तो ये एक टेक्नीशियंस के पास आया था और इसमें माइक, काफ़ी सारे माइक इन्होंने लगा करके देख लिया था और काम नहीं कर रहा था। तो आज मैं इसकी सप्लाई के बारे में बताऊँगा और इसकी आपको वोल्टेज भी मैं दिखाऊँगा कि इसमें वोल्टेज आता है कि नहीं आता है और कहाँ पर आता है, कौन सी सप्लाई क्या होती है, इसमें 5 पिन है तो कौन सी माइक होती है। मैं सारा डिटेल आपको करने वाला हूँ, यहाँ पर फुल डिटेल के साथ आपको करूंगा। तो वीडियो को लास्ट इन तक आप जरूर देखिएगा, तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा, इनके सप्लाइयों के बारे में समझ में आएगी। ये जो पिने होती हैं, एक्चुअल में ये पिने होती कौन सी हैं, कौन सी डाटा वीडियो क्लॉक, क्योंकि ये जो माइक लगा हुआ है इसमें डिजिटल माइक लगा हुआ है, आपको मैं बता दूँ। और डिजिटल माइक के साथ साथ इसकी जो सप्लाइयाँ और क्रिस्टल होती तो इसमें केवल 2 सप्लाई होती, पर यहाँ पर अगर डिजिटल हो गया तो इसमें 3 सप्लाई हो गई, बाकी 2 के ग्राउंड होंगे यहाँ पर। ये मैं सारा आपको चेक करके बताने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा था और इसका माइक काम क्यों नहीं कर रहा था। तो वीडियो को लास्ट इन तक आप जरूर देखिएगा, तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा फ्रेंड। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको ट्रेस करके और सारा चीज़ क्यों फाइंड आउट भी करके बताऊंगा कि क्यों नहीं काम कर रहा था। तो वीडियो को लास्ट इन तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं इसके सप्लाइयों को बता दूँ और इसमें काम क्यों नहीं हो रहा था फ्रेंड, तो मैं आपको चेक करके प्रॉपर वे में मैं दिखा देता हूँ। तो इस पर हम करेंगे कोल्ड टेस्टिंग, इस पर हम करेंगे कोल्ड टेस्टिंग, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे आपको सारी सप्लाइयाँ पहले मैं चेक करके बताऊँगा। जो आप 5 पिन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 5 पिन आप देख सकते हो। तो इन 5 पिनों में 2 ग्राउंड होते हैं, 3 हमारी काम की होती है। तो इसमें 3 जो होती है, पहली पिन होती है डाटा VDD और हमारा क्लॉक। तो जो हमारी ये वाली लेफ्ट वाली है, ये हमारी है फ्रेंड डाटा की लाइन है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग आ रही है। आप यहाँ पे भी दिखाइएगा तो आपको ये देखिए, मैं दोनों थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ क्लोज, अब थोड़ा इधर दिखाइए। तो मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले डाटा, ये डाटा है, ये हमारी VDD है और ये हमारा है फ्रेंड्स, आपको बता दूँ क्लॉक। ये जो 3 पिने हैं, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। तो मैं सबसे पहले इसको डाटा की देखता हूँ। तो डाटा की रीडिंग आ रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये देखिए रीडिंग आ रही है। मैं क्लॉक की रीडिंग चेक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉक की भी रीडिंग आ रही है मैंने क्लॉक पे। अब हम VDD की रीडिंग अगर हम चेक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे VDD पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, 1 आ रही है। तो मैंने देखिए VDD पे रखा हुआ है, VDD की सप्लाई ओपन हो गई है, इसलिए यहाँ पे हमारा माइक दोबारा आप लगाएंगे तो कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो हमारा VDD की लाइन में ही वोल्टेज बनेगा फ्रेंड। तो इस वीडियो को लास्ट इन तक देखेगा, मैं आपको ट्रेस करूँगा। तो जैसे आप ट्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें, यहाँ पर कॉम्पोनेंट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो जब हमें ट्रेस करना है तो VDD वाले पिन पर हम रखेंगे, जिस पर हमारी रीडिंग नहीं आ रही है, जो हमारी रीडिंग नहीं आ रही है तो हम VDD वाले पॉइंट पर रखेंगे और हम आसपास के कॉम्पोनेंट पे चेक करेंगे कि जिस पे हमारी बीप आएगी फ्रेंड, तो वो हमारा VDD का लाइन होगा। तो हम रखते हैं, उसके आसपास कोई बीप नहीं आ रही, पर आप देखेंगे यहाँ पे किसी टेक्नीशियन ने जो भी रीज़न के कारण यहाँ पे कॉम्पोनेंट था, ये देखिए बीप आपको सुनाई दे रही होगी, आपको बीप सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट लगा। मैं अभी आपको क्लियर कट दिखाऊंगा, अच्छे से साफ करके आपको पूरा पिक दिखाऊंगा इसकी कि कैसे क्या है। तो फिलहाल जो है यहाँ पे एक हमारी कॉम्पोनेंट लगा हुआ है, तो मैं अपने हाथ से ही आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको यहां से दिखा देता हूं कि जूम करके थोड़ा मैं दिखाऊंगा आपको, तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ये मैं जूम करके आपको यहां पे बस दिखा रहा हूं, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो यहां पे कॉम्प्लेंट लगा हुआ था, यहां पे कॉम्प्लेंट लगा हुआ है, मैं इधर से आपको टच करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कॉम्प्लेंट लगा था। तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेंट निकला हुआ है, यहाँ पे किसी टेक्नीशियन ने निकाल दिया या फिर जो भी है। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब यहाँ पे ये सीरीज में कोई ना कोई कॉम्प्लेंट लगा था जो कि किसी टेक्नीशियन ने निकाल दिया है। तो मैं आपको बता दूँ, ये हमारा जो डाटा है, डाटा का यहाँ पे आ रहा है, इस कॉम्प्लेंट पे आ रहा है, हमारा जो यहाँ पे क्लॉक है यहाँ पे, इसकी TP यहाँ पे। तो फिलहाल हमारा जो VDD की लाइन ओपन हो गई है, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमें क्या कर देना है। आप यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे तो ये शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमारी रीडिंग आ जाएगी, जब रीडिंग आ जाएगी तो वोल्टेज भी आ जाएगा। तो चलिए हम उसको कर देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि काम होता है कि नहीं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उसको, जो कॉम्प्लेंट नहीं था तो हमने यहाँ पे कर दिया इसको शॉर्ट। आप यहाँ पे कॉर्नर पे देख सकते हैं मैंने रंगा रख दिया है, आप जंपर वायर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसकी रीडिंग दिखाऊंगा कि रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है फ्रेंड। तो मैं इसको चेक करूंगा, इस पर कोल्ड टेस्टिंग करूंगा, ये हमारा मल्टीमीटर रखा हुआ है, और इस पर हम चेक करते हैं कि जो हमारा VDD का लाइन ओपन हो गया था उसमें हमारा रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने VDD पे रखा और ये देख सकते हैं VDD पे रीडिंग हमारा आ चुका है, जॉब डन हो चुका है। ये ट्रेसिंग अगर आपको समझ में आया हो तो आप बहुत ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि आपको ये कैसा लग रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रेसिंग कैसा लगा। तो अभी इसमें हम माइक लगाएंगे, माइक लगाने का भी प्रोसीजर मैं आपको, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको माइक लगाने का प्रोसीजर भी बता दूंगा। तो फटाक से एक बार मैं सबको एक बार फिर से आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि हमारे सब पे रीडिंग आ गई कि नहीं आ गई। तो देख सकते हैं आपको 5 पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1 2 3 5, ये हमारा 2 तो ग्राउंड होता है, ये देखिए बीप आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा बीप आ रहा है, ये हमारा ग्राउंड है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो क्लॉक है, क्लॉक में आ रहा है, VDD में भी हमारी रीडिंग आ रही है और हमारा यहाँ पे डाटा पे भी आ रहा है। तो अभी हमारा पर्टिकुलर सही है। अगर आपको और चेक करना है तो इसमें वोल्टेज चेक कर लेते हैं, तो मैं आपको वोल्टेज भी दिखाई देता हूँ। तो गाइज, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे मैं सप्लाई को नॉलेज देने के साथ मैं प्रैक्टिकल अब आपको हेलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसमें वोल्टेज चेक करा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये वोल्टेज भी आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही देखिए 1.8 हमारा वोल्टेज आ चुका है, क्योंकि हमारा VDD पे ही वोल्टेज आता है, बाकी डाटा और क्लॉक पे हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा VDD पे वोल्टेज आ चुका है। अब हम सिंपल इस माइक को हम लगा देंगे, ये हमारी माइक है यहाँ पे, डिजिटल माइक बोलते हैं इसको, अभी इस माइक को हम लगा देंगे और हमारा 100% जॉब डन हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब हमें हेलो करके चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं किसी इंस्टीट्यूट लेवल में आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अब सारी चीज़ हमने चेक कर लिया, तो हमें अब माइक हमारी सही से लगेगी तो 100% काम हो जाएगा। पर अगर ये सप्लाई अगर हम नहीं बनाते तो कितना भी आप माइक लगाते आपका सक्सेस नहीं होता। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।